Hello friends, welcome to Essentials of Medical Science. My name is Mohit, I am a third year medical student in a government medical college, and in this video we will talk about the internal features of the right atrium. So we have started the right atrium topic in the last video, in which we have seen its external features, whatever it was. इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके इंटरनल फीचर्स के साथ, मतलब राइट एट्रियम को अगर हम काट के देखें तो अंदर से हमें क्या क्या देखने को मिलता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनल फीचर्स ऑफ राइट एट्रियम, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना. तीन पार्ट्स होते हैं हमारे पास राइट एट्रियम के. राइट एट्रियम को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट जिसको साइनस वेनेरम बोलते हैं. एक है रफ एंटीरियर पार्ट, मतलब कि राइट एट्रियम को अगर हम अंदर से देखेंगे तो उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो तो हमें स्मूथ देखने को मिलेगा, जबकि उसका एंटीरियर पार्ट जो है वो होता है रफ. तो जो राइट एट्रियम है अंदर से पीछे की तरफ स्मूथ होता है, आगे की तरफ रफ होता है. तो एक स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट जिसको बोलते हैं साइनस वेनेरम, और एक रफ एंटीरियर पार्ट जिसको बोलते हैं पेक्टिनेट पार्ट. उसके अलावा एक पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो है इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब दोनों जो एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, उनके बीच की सेप्टम. तो ये तीन टॉपिक हम पढ़ते हैं. स्टार्ट करते हैं स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट के साथ. तो स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट की अगर हम बात करें जिसको हम साइनस वेनेरम बोलते हैं, ये डिराइव किससे होता है, तो इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ. डेवलपमेंट ऑफ हर्ट ट्यूब नाम से आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी, या फिर आप जो थोरेक्स एनाटॉमी है ना उसकी प्लेलिस्ट देख लेना मेरे चैनल पे, वहाँ पे मिल जाएगी. सो स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट जो है वो डिराइव्ड हो जाता है राइट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसस. ये साइनस वेनोसस क्या है ये सब चीज़ें उस वीडियो में देख लेना, ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जाने वाले. बस एक चीज़ उस वीडियो में करेक्ट कर लेना जो मैंने गलत बोल दी थी, वो ये है कि जो साइनस वेनोसस का राइट हॉर्न है ना उससे डिराइव होता है स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट. मैंने उस वीडियो में कुछ और बोल दिया था तो उसको करेक्ट कर लेना. करेक्शन ये है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये चीज़ वहाँ पे ऐड कर देना. सो स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस. ठीक है, ये तो हो गया इसकी डेवलपमेंट की बात. नेक्स्ट चलते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज एक्सेप्ट द एंटीरियर कार्डियक वेन्स ओपन इन टू द स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट. मैंने पिछली वीडियो में आपको वो सारी ट्रिब्यूटरीज बताई थी, मैं आपको दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ. तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई थी, सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन्स, वेना कॉर्डिस मिनिमा एंड समटाइम्स द राइट मार्जिनल वेन. ये छः चीज़ें हमारे राइट एट्रियम में ही ओपन होती हैं. तो ये सारी, इन सब में से सिर्फ एंटीरियर कार्डियक वेन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो चीज़ें हैं वो स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में ही खुलती हैं. तो मैंने पहले बताया था कि एट्रियम में ओपन होती हैं, लेकिन मैंने पूरी डिटेल में तो नहीं बताया था कि एट्रियम के आगे की तरफ, मतलब रफ पार्ट में खुलती हैं या उसके स्मूथ पार्ट में ओपन होती हैं. तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज दैट ओपन इन द राइट एट्रियम एक्सेप्ट द एंटीरियर कार्डियक वेन्स, मतलब उन सब में से सिर्फ एंटीरियर कार्डियक वेन्स को हटा दें तो वो ओपन होती हैं स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में. कौन कौन सी होती हैं उनकी बात करते हैं. नंबर वन सुपीरियर वेना कैवा, जो कि स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट के अपर एंड में खुलती है. इन्फीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर है नाम में, तो ये लोअर एंड में खुलेगी स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट के. ठीक है, एक बात याद रखना कि जो इन्फीरियर वेना कैवा है वो नीचे से ब्लड ऊपर की तरफ लेके आ रही है. ठीक है, तो अगर मान लो ब्लड नीचे की तरफ जाने लग जाए तो कोई कुछ रोकने वाला होना चाहिए. सो ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना कैवा इज गार्डेड बाय अ रूडिमेंट्री वॉल्व ऑफ इन्फीरियर वेना कैवा, जिसे हम बोलते हैं यूस्टेचियन वॉल्व या फिर यूस्टेकियन वॉल्व, जो भी आप बोलते हो आपकी लैंग्वेज में. तो यूस्टेचियन या फिर यूस्टेकियन वॉल्व होती है जो इन्फीरियर वेना कैवा को गार्ड करती है, कि उसकी ओपनिंग को गार्ड करती है, मतलब बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकती है. एक बार ब्लड राइट एट्रियम में आएगा तो उसको वापस आईवीसी में नहीं जाने देगी. ठीक है, तो वो यूस्टेचियन वॉल्व होगी. ये यूस्टेचियन वॉल्व क्या है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ के टाइम पे ये वॉल्व जो है, ये जो आईवीसी का ब्लड होता है उसको राइट एट्रियम में गाइड करती है थ्रू द फोरामेन ओवेल. सो एम्ब्रियोनिक लाइफ के टाइम पे एक फोरामेन प्रेजेंट होता है, हमें पता है दोनों एट्रियम के बीच में फोरामेन ओवेल उसको बोलते हैं. सो यूस्टेचियन वॉल्व क्या करती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, जो आईवीसी का जो ब्लड होता है उसको लेफ्ट एट्रियम की तरफ जो है गाइड कर देती है थ्रू फोरामेन ओवेल. तो ये हमने बात कर ली एसवीसी और आईवीसी की. उसके अलावा कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस ओपन करता है बिटवीन द ओपनिंग ऑफ इन्फीरियर वेना कैवा एंड द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस, मतलब राइट एट्रियम के पोस्टीरियर पार्ट में, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में जहाँ पे आईवीसी ओपन हुई है और जहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ओरिफिस है जिसको ट्राइकस्पिड ओरिफिस बोलते हैं, उन दोनों के बीच में जाके ओपन होती है हमारी कोरोनरी साइनस. तो कोरोनरी साइनस इसका डायग्राम दिखा दूंगा मैं वीडियो के एंड में, डायग्राम दिखाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा. सो कोरोनरी साइनस ओपन्स बिटवीन द ओपनिंग ऑफ आईवीसी एंड द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस, और इस ओपनिंग को भी गार्ड करती है एक वॉल्व जिसे बोलते हैं थिबेशियन वॉल्व. आईवीसी की वॉल्व क्या थी, यूस्टेकियन वॉल्व, और कोरोनरी साइनस की जो वॉल्व है वो है थिबेशियन वॉल्व या फिर वॉल्व ऑफ कोरोनरी साइनस भी बोल देते हैं सिंपली.
नेक्स्ट जो चीज़ ड्रेन करती है हमारे राइट एट्रियम में वो है वेना कॉर्डिस मिनिमा। ये बहुत सारी छोटी छोटी वेन्स होती हैं जो हमारे पूरे जो चारों चैम्बर्स हैं हट के उनके वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो वॉल्स ऑफ द फोर चैम्बर्स में प्रेजेंट होती हैं ये छोटी छोटी वेन्स, और एट द एंड ये ड्रेन करती हैं राइट एट्रियम में थ्रू अ स्मॉल फोरामिना, मतलब छोटे छोटे पोर्स के थ्रू ये राइट एट्रियम में ड्रेन करती हैं, और वैसे प्रेजेंट होती हैं ये वॉल्स ऑफ द फोर चैम्बर्स में, चारों चैम्बर की वॉल्स में। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ओपन होती हैं स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा डेवलपमेंट, नंबर टू हमने पढ़ा कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज ओपन होती हैं इस पार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इंटरवेनस ट्यूबरकल ऑफ लोवर। तो एक ट्यूबरकल भी प्रेजेंट होता है स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट में जिसको बोलते हैं इंटरवेनस ट्यूबरकल ऑफ लोवर। ये बहुत ही छोटी एक प्रोजेक्शन होती है जो बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलती है ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एट्रियम। पोस्टीरियर वॉल ही पढ़ रहे हैं हम, तो वहीं पे देखने को मिलेगी अंदर की तरफ, जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग के थोड़ा सा नीचे। जैसे कोरोनरी साइनस इन्फीरियर वेना केवा और राइट एट्रियोवेंट्रिकल ओरिफिस के बीच में ओपन हो रही थी, उसी तरह से एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा याद रखना, सुपीरियर वेना केवा के ओपनिंग के थोड़ा सा नीचे की तरफ, जिसे बोलते हैं इंटरवेनस ट्यूबरकल ऑफ लोवर। इसका काम क्या होता है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? इसका काम यह है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के टाइम पे ये क्या करती है, सुपीरियर वेना केवा के ब्लड को राइट वेंट्रिकल में डायरेक्ट करती है। जैसे हमने पढ़ा था कि यूस्टेचियन वॉल्व जो थी वो क्या कर रही थी, इन्फीरियर वेना केवा के ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में गाइड कर रही थी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उसी तरह से जो ये ट्यूबरकल ऑफ लोवर है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में सुपीरियर वेना केवा के ब्लड को राइट वेंट्रिकल में डायरेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट यहाँ पे खत्म। अब नेक्स्ट हम चलते हैं रफ एंटीरियर पार्ट की तरफ। ठीक है, तो स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट खत्म हो गया, अब चलते हैं रफ एंटीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट रफ क्यों है, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट है एक मसल मस्कुलाई पेक्टिनेटी, तो बहुत सारी मस्कुलर रिजेज इस तरह से, बहुत सारी मस्कुलर साइड से देखेंगे ना, कट सेक्शन देखेंगे तो बहुत सारी इस तरह से मस्कुलर रिजेज मिलेंगी, और इन मस्कुलर रिजेज को बोलते हैं मस्कुलाई पेक्टिनेटी। ठीक है, इसी मस्कुलर पेक्टिनेटी नाम है इसीलिए इस पार्ट को पेक्टिनेट पार्ट भी बोलते हैं। तो रफ एंटीरियर पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये डिराइव होता है प्रीमिटिव एट्रियल चैम्बर। जैसे स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट किससे डिराइव था, साइनस वेनोसस से डिराइव था, राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस से, उसी तरह से जो रफ एंटीरियर पार्ट है वो डिराइव होता है प्रीमिटिव एट्रियल चैम्बर से। ये तो होगी डेवलपमेंट की बात। नेक्स्ट बात करें, अ सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस, इस तरह से मान लो मैं ये रफ पार्ट को देखूं खोल के, तो इस तरह से बहुत सारी इस तरह से ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस देखने को मिलती हैं। ये मैंने आपको गलत दिखा दिया, एक सेकेंड रुकना। इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, मान लो ये राइट एट्रियम है तो ये इस तरह से प्रेजेंट होती हैं, इनकी डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, तो सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रिजेस आर प्रेजेंट नोन एज मस्कुलाई पेक्टिनेटी, दे अराइज फ्रॉम द क्रिस्टा टर्मिनलिस। क्रिस्टा टर्मिनलिस हमने एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर रहे थे तब भी पढ़ा था कि बाहर की तरफ एक सल्कस प्रेजेंट होता है जो सुपीरियर वेना केवा से इन्फीरियर वेना केवा तक जाता है, जिसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। और वो क्यों बनता है बाहर की तरफ, सॉरी ग्रूव, हाँ ग्रूव जो सल्कस मैंने आपको बताया वो क्यों बनता है, क्योंकि अंदर की तरफ एक रिज प्रेजेंट होती है सुपीरियर वेना केवा से इन्फीरियर वेना केवा तक, जिसको बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस। तो यहाँ पे क्रिस्टा टर्मिनलिस एक इस तरह से रिज प्रेजेंट होती है जिस रिज से डिराइव्ड होती हैं ये, मतलब यहाँ से अराइज होती हैं ये मसल्स, किससे, क्रिस्टा टर्मिनलिस से। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, दे रन फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस, कहाँ जा रही हैं, एट्रियम, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के ओरिफिस की तरफ, गिविंग द अपीयरेंस ऑफ अ टीथ ऑफ अ कॉम। जैसे हमारा कंघी नहीं होती घर पे, उसी तरह से इसकी अपीयरेंस आती है कुछ इस तरह से। इन द ओरिकल द मसल्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ रेटिकुलर नेटवर्क। तो ये तो एट्रियम की बात करे थे हम, जो राइट ओरिकल जो प्रेजेंट है हमारे पास उसके अंदर जो ये मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती हैं और एक रेटिकुलर नेटवर्क सा बना देती हैं। ठीक है, तो ये बात होगी रफ एंटीरियर पार्ट की। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ जो है इंटर एट्रियल सेप्टम, उसके बाद देखेंगे डायग्राम। तो इंटर एट्रियल सेप्टम की बात करें, ये डिराइव, सबसे पहले डेवलपमेंट की बात करें तो ये डिराइव होती है सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम से। किससे डिराइव्ड है, सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम से। ये एक शैलो सोशर शेप डिप्रेशन है, क्या है, सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, एक शैलो सोशर शेप डिप्रेशन प्रेजेंट होता है इसके लोअर पार्ट में, जो इंटर एट्रियल सेप्टम है इसके लोअर पार्ट में एक छोटा सा डिप्रेशन प्रेजेंट होता है सोशर शेप्ड का, जिसे हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस, इसकी नाम आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है, ये फोसा ओवेलिस क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है साइट ऑफ द एम्ब्रियोनिक सेप्टम प्राइमम, जो एम्ब्रियोनिक सेप्टम प्राइमम थी उसकी साइट को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे पहले सेप्टम प्राइमम प्रेजेंट होती थी, जहाँ पे अब ये डिप्रेशन प्रेजेंट है जब हम बड़े हो जाते हैं, मतलब बर्थ के बाद, जिसे बोलते हैं फोसा ओवेलिस। तो एक डिप्रेशन है।
अब जो फोसा ओवेलिस है उसका एक प्रोमिनेंट मार्जिन भी होता है जिसे बोलते हैं लिम्बस फोसा ओवेलिस या फिर एन्यूलस ओवेलिस। तो एन्यूलस ओवेलिस और लिम्बस फोसा ओवेलिस क्या है, ये एक प्रोमिनेंट मार्जिन है फोसा ओवेलिस का जो इंटर एट्रियल सेप्टम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक डिप्रेशन था जिसे फोसा ओवेलिस बोला, फोसा ओवेलिस का एक प्रोमिनेंट मार्जिन होता है जिसे बोलते हैं एन्यूलस ओवेलिस या फिर लिम्बस फोसा ओवेलिस। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, रिमेन्स ऑफ फोरामेन ओवेल आर ओकेजनली प्रेजेंट। फोरामेन ओवेल के कभी कभी रिमेन्स देखने को मिलते हैं जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं, तब एक फोरामेन प्रेजेंट होता है दोनों एट्रियम के बीच में जिसे बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ये कई बार क्या होता है, बर्थ के बाद भी परसिस्ट कर जाता है, तो उसके रिमेन्स भी कई बार देखने को मिलते हैं और कई बार ये फोरामेन ही परसिस्ट कर जाता है। तो फोरामेन ओवेल क्या था, ये एक स्मॉल स्लिट लाइक वॉल्वुलर ओपनिंग थी, स्मॉल स्लिट लाइक वॉल्वुलर ओपनिंग थी बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ फोसा एंड द लिम्बस। मतलब जो ये अभी जो ये फोसा प्रेजेंट है ना हमारा, फोसा ओवेलिस और इसका एक मार्जिन है जिसे हम बोलते हैं लिम्बस फोसा ओवेलिस, दोनों के बीच में प्रेजेंट था एक फोरामेन जिसे बोलते थे फोरामेन ओवेल। ठीक है, नॉर्मली अक्लूडेड आफ्टर बर्थ बट मे परसिस्ट सम टाइम। तो ये नॉर्मली तो बर्थ के बाद ये बंद हो जाता है ये फोरामेन, लेकिन कभी कभी भी ये परसिस्ट भी कर सकता है। तो ये हमने बात करी इंट्राएट्रियल सेप्टम की, इसका डायग्राम एक बार देखें थोड़ा सा इंटीरियर का। तो यहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ये इंटीरियर हम देख रहे हैं राइट एट्रियम का, ये डिप्रेशन को बोलते हैं फोसा ओवेलिस और उसके मार्जिन को बोलते हैं एन्यूलस ओवेलिस। ठीक है, ये देखो ये ओपनिंग है वेनस कॉर्डिस मिनिमा की, ये SVC, ये IVC है नीचे की तरफ, ये इसकी वॉल्व है, देखो ये ग्रे कलर की इसकी वॉल्व है। ये बहुत सारी मसल्स हैं, देखो कॉम्ब अपीयरेंस आ रही है, ये क्रिस्टा टर्मिनली से सीधी और यहाँ से अराइज हो रही है क्या मस्कुलर पेक्टिनिटी, तो कॉम्ब लाइक अपीयरेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसका एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस वाले डायग्राम में आप देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा, देखो ये रहा फोसा ओवेलिस, ये देखो डिप्रेशन है फोसा ओवेलिस, इसके ऊपर जो इसका मार्जिन बना रहा है वो है लिम्बस फोसा ओवेलिस, उसके अलावा ये देखो ये रहा क्रिस्टा टर्मिनलिस यहाँ पे, और ये बहुत सारी मस्कुलर रिजिज हैं क्योंकि यहाँ से काटा है ना, तो ये इसी क्रिस्टा टर्मिनलिस से अराइज हो रही थी, ये मस्कुलर पेक्टिनिटी है। ठीक है, देखो रफ एंटीरियर पार्ट और पीछे वाला पार्ट स्मूथ होता है इसका। ये जो आपको पूरी देखने को मिली थी जहाँ पे लिम्बस वगैरह है, ये है इंट्राएट्रियल सेप्टम, और यहाँ पे देखो ये ओपनिंग है नीचे की तरफ कोरोनरी साइनस की। तो मैंने बोला था ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल्व ऑफ IVC एंड द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। ये क्या है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस है ये, और ये क्या है वॉल्व ऑफ IVC, तो दोनों के बीच में ओपन हो रहा है हमारा कोरोनरी साइनस गार्डेड बाय द थिवेशियन वॉल्व्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।